आज आपने जो जोरदार स्वागत किया, ये मेरा ही स्वागत नहीं है, ये मेरी पार्टी का स्वागत है, ये स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन का स्वागत है, ये पंडित दीन उपाध्याय का स्वागत है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वागत है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। कि भाई ये क्यों हो रहा है? ये बीजेपी हल्का गठबंधन का इतना एक रोड़ा क्यों मच गया है? अरे ये फरीदाबाद फरीद बाबा के बसी हुई नगरी, मेहनत कस यहाँ के लोग, ईमानदार यहाँ के लोग सुबह शाम राधे राधे करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। ये हमारा गोपाल शर्मा जिला अध्यक्ष है, इसके साथ में गोपाल जी खास खास फेरे पड़ने का काम करते हैं। लोगों ने सोचा अरे 130 करोड़ का हिंदुस्तान है, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान को खा गया, भ्रष्टाचार है, हाहाकार है, व्यभिचार है, दुराचार है। और इस हाहाकार में गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, दलित बहनों का बिना जाना की जो खबरें हैं, देश की राजधानी में जो दामिनी के साथ हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में उसका जिक्र किया, और चिंतन शिविर में सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, बेटे राहुल को उसका वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, दोनों मम्मी बेटा गले लग करके रोए। मम्मी से पूछा, मम्मी तू क्यों रोई? कहेंगे बेटा मैंने बिहार के चुनाव में तेरे ऊपर 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, सीटें 4 आई। मैंने यूपी में तेरे ऊपर 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, सीटें 22 आई। तो फिर राहुल गांधी रोने लगे। उससे पूछा तू क्यों रोया? कहने मम्मी रात को 1 बजे नरेंद्र मोदी सपने में दिखाई देते हैं। बीजेपी की मम्मी बीजेपी की सरकार बनाई गई। अटल जी के राज में 11 रुपया किलो चीनी, कृष्णपाल जी कह रहे थे 234 रुपया गैस का सिलेंडर, 16 रुपया लीटर डीजल, 24 रुपया लीटर पेट्रोल, 106 रुपए का सीमेंट का कट्टा, सरिया 15 रुपया किलो, डीएपी का कट्टा 240 रुपए का, हर कोई चीज 1,200 से कम नहीं। और गैस के सिलेंडर के लिए तो शहरों में माता बहनें दुखी हो गई थी, ये जो बेरोजगार बच्चे थे, ये कोई खच्चर रेडी में 10 सिलेंडर, कोई रिक्शा में, घंटी बजाते माता सिलेंडर ले लो, कहती कर भरवाया है माता चौबारे पर चढ़वा लो, फिर भी वो नहीं कहती माता पैसा कल दे देना। तब वो वाजपेयी को भी प्यार में गाली देती थी, इस वाजपेयी ने ये गैस का कुआ कितना खोद दिया है, ये कहां से आया? और आज चीजों के दाम क्या हुए? अरे कांग्रेस का नाम, दूसरा नाम भ्रष्टाचार हो गया, कांग्रेस का दूसरा नाम बेईमानी हो गया है। सरदार मनमोहन सिंह आपकी सरकार के 5 मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में, ए राजा जेल में है, कन्नी मोड़ी जेल में है, सुरेश चलमाड़ी जेल में है, कुछ हमारा भाईचारा भी जेल में। करणगे सो भरणगे। एक बार मैं 25 नंबर एमएलए फ्लैट में था, साथ वाले में दूसरी पार्टी थी, पत्रकारों ने एक लाइन लिख दी थी, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करणगे सो भरणगे, मस्त रहो राम विलास, आप तो सबकी कृपा से सब बातें। भ्रष्टाचार को इस देश ने खा लिया, सीने के फकों में जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग
घर के चिराग से। भ्रष्टाचार आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पाप है। 3 बार कृष्ण पाल जी विधायक रहे, मंत्री 2-2 बार रहे, हम 4-4 बार विधायक रहे। गांव में बाप के बनाए हुए मकान में कल रहते थे, आज रेताज में जो कुछ पूछते हैं कि आप कहां से चलोगे, वो गांव से चलो। क्या आप वही मकान में? आजकल एक बार कोई कांग्रेस का आदमी एमएलए बन जाए, उसके ठाट देखो, बाट देखो, उसके बच्चों की वेशभूषा बदल जाती है, बच्चों की बोली भाषा बदल जाती है। यह भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बात है। हम श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक परिवार के लोग हैं, बल्लभगढ़ के लोगों, फरीदाबाद की जनता जनार्दन, आपने आज जोर जोरदार स्वागत किया है हमारा, हमारे साथियों का, मेरी पार्टी का, मेरे विचारधारा का, मैं उसके लिए आप सबका प्रणाम करता हूं। और मैं आपको बल्लभगढ़ के लोगों, फरीदाबाद के लोगों एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आशीर्वाद का हाथ हमारे पर, हमारी पार्टी पर रखना। साहब घना सा राज्य मत होइए, एक लाल किताब हम भी बना रहे हैं, पलवल में, फरीदाबाद में, या जो टीबी बीपी टीपी या जो टीबी हो रही है ना, रोबर्ट वाड्रा को, गरीब किसानों की जो जमीन आपने कोड़ियों के भाव लेकर के दे दी है, पंचायतों की जमीन आपने सोनिया गांधी को राजी रखने के लिए दे दी है, ये लाल किताब में एक एक इंच जमीन का लाखा जोखा हम लिख रहे हैं, आने वाले दिनों में हरियाणा के किसान को लूटने नहीं देंगे, ये सारी जमीन किसान को वापस करेंगे। आप ठाड़े रहना, जिस जोश से स्रोत से आपने हमारा स्वागत किया है उसके प्रति प्रणाम करता हूं, और आने वाले दिनों में ये लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान।